हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन आंख पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि हरियाणा की जींद के जुलाना से आ रही है, जहां पर किसानों को अभी भी मुआवजा न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मुआवजे पर भी संशय बरकरार है, क्योंकि यहां पर 3,000 एकड़ फसल अब भी जलमग्न है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर कर अब भी लगातार परेशान कर रही है। हम आपको हरियाणा के जुलाना से अपडेट दे रहे हैं, जहां पर जुलाना ब्लॉक में लगभग आधा दर्जन गांव में 3,000 एकड़ में 5 महीनों बाद भी बरसाती पानी की निकासी नहीं हो पाई, जिसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही, क्योंकि धान और कपास की फसल तो बर्बाद हुई ही हुई है, अब गेहूं की जो बिजाई भी नहीं हो पाई, जिससे किसानों पर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर विधायक से लेकर विपक्ष के तमाम नेता तक इसका जाकर दौरा करके आए, लेकिन किसानों के जख्मों पर मलहम कोई नहीं लगा पाया है। अब जहां पर बरसाती पानी की वजह से बिजाई नहीं हुई, सरकार उन्हें 7,000 रुपए के हिसाब से मुआवजा देगी, लेकिन उस मुआवजे का हल क्या होगा? जो फसलें उनकी दो चौपट हो गई, उसका भरपाई कौन करेगा? करसोला गांव निवासी नरेंद्र राठौर, राज्यपाल सहित तमाम किसानों का कहना है कि गांव के लगभग 800 एकड़ में बरसाती पानी की निकासी नहीं हो पाई है, बार बार गुहार लगाने पर भी समाधान नहीं हो पाया है। 3 माह बाद भी अब प्रशासन ने निकासी के लिए पाइपलाइन तो आगे बढ़ा दी, मगर बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाया, जिससे किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वहीं बुड्ढा केड़ा गांव के 700 एकड़, पौली गांव के 600 एकड़, शादीपुर गांव के 400 एकड़, नंदगढ़ और सिरसा खेड़ी में लगभग 500 एकड़ में जलभराव है। ग्रामीणों की मांग यह है कि गांव के खेतों से पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाली फसल की बिजाई कर सके। साथ ही किसानों का यह भी कहना है कि स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। दूसरी तरफ किसी भी तरह से निकासी की ऐसी स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि आगे से किसानों को इस तरह से परेशानी ना उठानी पड़े। विधायक से लेकर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तक यानी कि हुड्डा भी यहां पर दौरा कर चुके हैं। जुलाना ब्लॉक के खेतों में हुए जलभराव का विधायक से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा नेता अभय चौटाला भी दौरा किया था, प्रशासन से किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की थी, लेकिन किसानों का कहना है कि अभी तक गिरदावरी भी नहीं हो पाई, मुआवजा कैसे मिलेगा। लेकिन जुलाना विधायक अमरजीत ढांडा का कहना है कि जुलाना हलके के जिन गांव में खेतों में अभी भी जलभराव है, किसानों को 7,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिलवाया जाएगा। जल्द ही प्रशासन लिस्ट तैयार कर रहा है, किसानों के खेतों में निकासी का प्रबंध किया जाएगा। और उधर SDM डॉक्टर वेद प्रकाश के मुताबिक जल्द ही गाँव के जो खेतों में जलभराव को चेक किया जाएगा, जलभराव की लिस्ट को मुआवजे के लिए भेजा जाएगा। तो ये एक किसान की सबसे बड़ी मुश्किल है, जो कि जुलाना के किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ पर बारिश की वजह से जलभराव हुआ था, उसके बाद तक करीब 3,000 एकड़ से आसपास का इलाका है जो पानी से जलमग्न है। यहाँ पर किसानों की तमाम उम्मीदें धरी की धरी रह गई हैं, लेकिन उसके बाद प्रशासन क्या कर रहा है? क्या प्रशासन अभी तक वास्तविकता से अभी तक भी जानू नहीं हो पाया है कि वो किसानों को एक स्थायी हल दे पाता? लेकिन अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या मुआवजा भी किसानों की भरपाई कर पाएगा, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि मुआवजे का स्तर क्या हुआ? क्या वाकई ही जिन किसानों ने ठेके पर जमीन ली होगी, या फिर जिन किसानों की फसल बहुत अच्छी इस बार हुई थी वो फसल पानी में चौपट हो गई? तमाम जो बातें हैं जो किसानों को दिन रात चिंता सता रही है, मुआवजे पर भी संशय है, क्योंकि 3,000 एकड़ खेत आज भी जलमग्न है, किसानों के माथे पर चिंता है, पानी निकासी की मांग की जा रही है, अभी तक पाइपलाइन डली तो बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाया, तमाम सारी समस्याएं किसानों के सामने हैं। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तमाम लोगों तक, ताकि जानकारी पहुंच पाए। अगर फेसबुक पर देख पा रहे तो तेज हरियाणा को फॉलो करें, और यूट्यूब पर हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।